नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी सुबह सुबह मैं बालकनी में आई हूँ। अभी बादल देखिए कितने ज़्यादा हो रहे हैं और बारिश बस कुछ ही देर में आने ही वाली है। कई दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, आज थोड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज बालकनी में मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो आज आधा काम तो बारिश ही कर देगी। पानी लगाने का काम तो आज होगा नहीं बालकनी में, और स्प्रे भी नहीं करूँगी आज मैं। लेकिन बालकनी में जो पीछे की तरफ रहते हैं मेरे कुछ हैंगिंग प्लांट्स, उनको मैं बारिश में रख दूँगी ताकि उनको भी बारिश मिल जाए थोड़ी। देखिए दोस्तों, ये जो बेल हैं हमारी कितने अच्छे से चल रही हैं अभी। और ये जो कांसी फल की बेल है, ये जो घर में हम कांसी फल मंगाते हैं खाने के लिए, उसी से मैंने ग्रो की थी। कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। देखिए, ये जो हमने 2-3 दिन पहले केले के छिलके डाले थे, इन वीडियोज़ में मैं आपको डेली दिखाई रही हूँ। अभी देखिए बिल्कुल इस गमले में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, मिट्टी में बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। और मिट्टी भी कितनी काली और बिल्कुल कितनी उपजाऊ हो गई है। तो बिल्कुल फंगस आपको कहीं भी दिख नहीं रही होगी। मिट्टी इस तरह से सूखी रहेगी तो फंगस लगने का कोई मतलब ही नहीं है। केले के छिलके, बहुत से लोग बोलते हैं केले के छिलके अगर हम डालें तो फंगस लग जाएगी प्लांट में। तो फंगस तो दोस्तों वैसे भी लगेगी अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो। मैंने कई बार बताया है कि अगर आप केले के छिलके अगर डालेंगे तो उसमें आप बिल्कुल भी, जब तक वो सूख ना जाए मिट्टी, पानी ना दें। और फिर एक बार पानी देने के बाद दोबारा तभी पानी दें जब दोबारा फिर से मिट्टी सूख जाए। तो तब तक वो केले के छिलके पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स हो गए होंगे, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल फ्री का है ये फर्टिलाइज़र। दोस्तों अभी सुबह सुबह बस एक बार सारे पौधों को देख रही हूँ, और जितने भी सब्जियाँ लगाई थी वो भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। लौकी की बेल तो काफ़ी बड़ी हो गई है, और ऊपर से मैंने इसको देखिए यहाँ से तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद देखिए इसमें 3 ब्रांच निकली हैं। अगर मैं इसको नहीं तोड़ती तो एक ही ब्रांच इसकी रहती। अब इसमें एक ब्रांच ये ऊपर की तरफ जा रही है, और एक ब्रांच देखिए ये वाली निकली है, और एक ब्रांच नीचे से निकल रही है। तो 3 ब्रांच अभी इस पर हो गई। अब इन पर जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे, उतने ही लौकी आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो एक ही बेल पर हम ज़्यादा लौकी पा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लेने के लिए ज़रूरी है कि हम 1-2 बार ज़रूर ये काम कर दें, तो उससे ब्रांच ज़्यादा निकलती हैं। भले ही 3G कटिंग तक आप ना पहुँचें, लेकिन थोड़ी बहुत 1-2 बार कर देंगे तो उसी से काफ़ी ब्रांच हो जाएंगी। तो जितने ज़्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज़्यादा इस पर सब्जी आने के चांस रहेंगे। तेज़ हवा है तो जितनी भी बेल हैं वो तो अच्छे से पकड़ी हुई रहती हैं रस्सी को, उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भिंडी के देखे पौधे हैं, ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाए तो इसलिए इनको नीचे रख लेती हूँ। बहुत तेज़ हवा है, कहीं टूट गए तो सारे ख़राब हो जाएंगे, जैसे कल मिर्च का पौधा ख़राब हो गया था। दोस्तों सुबह का सारा काम हो गया है अभी, और बारिश भी अभी थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है, बड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। देखिए अंदर कितने सुंदर ऑर्किड के ये फूल खिले रहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बालकनी में आ गई हूँ सुबह का सारा काम करने के बाद। अभी जितने भी ये पीछे जो मेरे पॉट्स छोटे छोटे टंगे हुए हैं, इनको मैं बाहर रख दूँगी ताकि इनमें भी बारिश अच्छे से लग जाए और इनकी ग्रोथ अच्छी हो।
दोस्तों मैंने जो भी इंडोर रखे रहते हैं प्लांट्स उन सबको, ज़्यादातर छोटे छोटे से जो पॉट थे उनको बाहर रख दिया है, और ताकि सभी को अच्छे से बारिश मिल जाए। देखिए ये जेट प्लांट अंदर ही रहता है, इसको भी बाहर रख दिया है बारिश में। और ये छोटा सा गमला भी एक डेढ़ महीने पहले मैंने कटिंग से तैयार किया है, देखिए कितने अच्छे से इसमें तीन कटिंग्स लगाई थी, तीनों चल गई हैं, कितनी सुंदर सुंदर नई पत्तियाँ निकली हैं। इसको भी बारिश में रख दिया है, पीछे की तरफ टंगा रहता है ये। बारिश, हल्की हल्की बारिश जो होती है ये बहुत अच्छी रहती है पौधों के लिए। तो जितने भी पॉट्स पीछे टंगे रहते हैं वो सब मैंने बाहर रख दिए हैं बारिश में। तो बारिश में पानी देने का काम नहीं है तो और बहुत काम है। अभी इंडोर एक बार जितने भी मेरे पौधे हैं उन सबको एक बार देख लेती हूँ। दोस्तों देखिए, आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं स्टैंड ले लूँ, तो एक स्टैंड तो मेरा आ गया है। मैं सोच तो काफ़ी दिन से रही थी लेकिन ले नहीं पा रही थी। तो देखिए कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइए। बहुत ही सुंदर लग रहा है, 6 पॉट इस पर आ गए हैं। अभी 2 और मैंने मंगाए हैं, वो भी आ जाएंगे। एक बालकनी के लिए मंगाया है और एक और इंडोर। तो धीरे धीरे मैं दिखाती रहूँगी आपको। काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ लेकिन अब जाके स्टैंड मैंने लिए हैं। ये स्टैंड मैंने ऑनलाइन लिया है अमेजन से। काफ़ी अच्छे से सारे प्लांट, 6 पौधे एक जगह बड़े अच्छे से व्यवस्थित हो गए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये मनी प्लांट की कटिंग कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और सिंगोनियम का प्लांट भी इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ हैंगर्स लगवाए हैं ये, ताकि मैं यहाँ पर कुछ बास्केट्स हैंग कर सकूँ। मैंने एक कोना ही बनाया है इंडोर गार्डन के लिए, ताकि यहाँ पर सारे इंडोर प्लांट्स रहें, हैंगिंग बास्केट रहें, घर का एक कोना जिसमें हम बैठ सकें और पौधों को देख सकें और पूरी हरियाली रहे इस कोने में। तो पूरे घर में मैंने इंडोर प्लांट्स नहीं रखे हैं इधर उधर, बस एक ही कोने में मैंने सारे इंडोर प्लांट्स रखे हैं। तो काफ़ी हरियाली रहती है और बहुत अच्छा भी लगता है, एक कोना पूरा ग्रीन रहता है। अभी मैं देख रही हूँ कि जिसको पानी की ज़रूरत है उसको पानी दे रही हूँ मिट्टी चेक करके। तो इंडोर प्लांट्स में हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। तो सभी में इंडोर जिसको ज़रूरत थी उसमें मैंने पानी दे दिया है। अभी सुबह का काम ख़त्म हो गया है, अभी जितने भी पॉट्स जो बाहर रखे थे वो सब फिर से टांगने हैं वापस, क्योंकि बारिश उनमें लग गई काफ़ी। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने चारों तरफ चैट प्लांट की कटिंग लगाई थी इस गमले में, और लगभग सारी कटिंग चल गई हैं, नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही आराम से चैट प्लांट की कटिंग चल जाती है। बस हमें इसमें पानी ही ज़्यादा नहीं देना है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाती हैं। दोस्तों देखिए, ये जो कंटेनर है छोटा सा, ये मैंने च्यवनप्राश की बोतल से बनाया है। इसके अलावा दोपहर को धूप निकल गई है बढ़िया। अंदर मैं थोड़े से जो मेरे प्लांट्स कुछ छोटे गमले में लगे थे और उनको बड़ा गमला चाहिए था, तो वो मैंने रिपोर्ट किए हैं। तो काफ़ी काम दिन में फैल गया मिट्टी वगैरह का, तो वो सब काम हो गया है। उसके बाद ही जो मिट्टी है वही मैं समेट रही हूँ। तो दोस्तों आज का ये ही मेरा काम रहा,
आपको कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गार्डन की डेली अपडेट देखने के लिए। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, जय सिया राम।